पटाखा व्यापारियों ने लखनऊ में जाकर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को दिया ज्ञापन, कहा कि दिवाली पर इस बार भी ग्रीन पटाखे की स्टॉल लगाने की परमिशन दी जाए, जिससे कि हम पटाखा व्यापारी धूमधाम के साथ दिवाली को सेलिब्रेट कर सके और हमारा व्यापार भी अच्छे से चल सके। लखनऊ में थे आप लोगों ने पटाखे के संबंध में ज्ञापन सौंपा है, क्या मांगे आप लोगों ने रखी थी वहाँ पर? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के समक्ष यही मांग रखी थी कि आगरा में पिछले साल की तरह आगरा में ग्रीन पटाखे की बेचने की परमिशन दी जाए, क्योंकि व्यापारियों के जो है पहले से माल लिए हुए हैं तो व्यापारी माल नहीं बेच पाते तो रोक लगा देती है NGT, जबकि आगरा में भी आजकल एक्वाई बहुत कम है, ना के बराबर 30-40-50% होगा और इस पर कोई रोक लगाने का कोई प्रतिबंध लगाने का कोई अधिकार नहीं है। तो जो है पॉल्यूशन को लेकर अभी कोई रिपोर्ट भी नहीं आई, कोई रिपोर्ट नहीं आई है और ना ही कोई पाबंदी है। फिलहाल यूपी में स्वतंत्र रूप से पटाखे बेचने की परमिशन दी जा रही है। तो दिवाली अभी अक्टूबर के महीने में है और ऐसे में परमिशन नहीं मिली थी, अड़ंगा लग गया था क्या करेंगे? मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ हिंदुओं के त्यौहार पर कभी भी ऐसी परमिशन नहीं लगाएंगे। हमें पूरा आश्वासन दिया गया था कैबिनेट मंत्री द्वारा कि यहाँ कोई आश्वासन के तो उन्होंने ये कहा कि हाँ चलो आपकी समस्या का समाधान होगा और तुरंत ही जो है जिलाधिकारी आगरा को लेटर जारी करेंगे जिससे समाधान होगा। कैबिनेट मंत्री को दिया था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष उपस्थित होकर बिल्कुल लगेगा, 1001% लगेगा। व्यापार जैसा माल लेंगे वैसे ही बिकेगा, माल पे वैसे भी तेजी है, दूने माल अब देखो मालूम पड़ेगा क्या, जैसा सेल होगी जैसे उसी आधार पर तो इनकम का स्रोत मालूम पड़ेगा।